corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, art, development, corruption. सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी क्या मजबूरी है कि इसके बावजूद भी वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? क्या वे खुद स्कूल नहीं जाना चाहते या उनके गरीब माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में एक छोटा सा गाँव शांति है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, परंतु बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल खाली पड़े रहते हैं क्योंकि ये बच्चे गरीब हैं और कूड़ा उठाकर अपने घर का भरण पोषण करते हैं। एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत हमारे पास 35 बच्चों की एडमिशन होती है, जिसमें सिर्फ 10-12 बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी के कारण उन्हें कबाड़ उठाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, जिस पैसे से वह अपने घर का खर्चा चलाते हैं। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वह पढ़े, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इतने हमारे पास पैसे नहीं है जो मैं पढ़ सकूँ, इसलिए हमें कूड़ा उठाना पड़ता है। ये बच्चे सुबह 7 बजे घर से कूड़ा उठाने के लिए निकल जाते हैं और दिन भर कूड़ा उठाते हैं, उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। उनके कमाए हुए पैसे से घर का चूल्हा जलता है और वो लोग खाना खा सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कबाड़ को जाते हैं, कबाड़ से कच्चा पानी करते हैं, रोटी बनाते हैं। इन बच्चों के गरीब माता पिता भी नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल जाएं। उनका कहना है कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा और घर कैसे चलेगा। उन्हें सरकार से भी शिकायत है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनके बच्चे बरसों से कूड़ा उठा रहे हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। ऐसे हैं हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में नहीं जाते, वो कबाड़ के लिए जाते हैं। जो बच्चे हमारे खर्चा करते हैं वही हमारे घर के देखभाल वही बनता है 40-50-100 रुपया का जी, है जी। और ऐसे हैं स्कूल में जाए तो फिर हमारा खर्चा कौन निकाले। और ऐसे है गवर्नमेंट है तो कुछ हमारी मदद नहीं कर रही है, 10-15-20 साल से हम बैठे हैं तो कोई हमारे को खर्चा दे रही नहीं, ना कोई जमीन दे रही, ना को हमारे को कुछ भी, हम बेसुनाई से बैठे हैं जी। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त शिक्षा का प्रावधान तो कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा जो अपने घर परिवार के लिए पैसा कमा के लाते हैं, जिनके पैसे से उनका घर चलता है? इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोल्टा, सोलन, हिमाचल प्रदेश से।